हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी स्टाइल पूजा में स्वागत है आपका। तो अगर विंटर सीजन में आपकी भी स्किन थोड़ी सी डार्कनेस हो गई है, ड्राइनेस आ गई है, तो आज की जो रेमेडी है एकदम बेस्ट है सॉफ्ट स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। उसके लिए मैंने एक चम्मच बेसन ले लिया है, थोड़ी सी इसमें मैंने हल्दी डाली है, कस्तूरी हल्दी जो स्किन के लिए यूज होता है। उसके बाद इसमें मैंने आलमंड ऑयल डाला है, एक चम्मच मैंने रॉ मिल्क डाला है, अच्छे से इसको मिक्स किया है। देख सकते हैं ज़्यादा मोटा जो है पेस्ट इसका नहीं बनाना। उसके बाद मैंने अपने फेस को क्लीन किया है। ये क्या होता है, जो अगर आप धूप लेते हैं, धूप से आपकी स्किन डल पड़ जाती है थोड़ी सी ड्राई, क्योंकि विंटर में धूप लेना बहुत ही अच्छा लगता है सबको। तो अगर आपकी स्किन थोड़ी सी डल हो गई है तो आप ये रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ड्राई स्किन है तो आपके लिए बेस्ट है, इसमें आप आलमंड ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। इसकी जगह आप पतला लेयर लगाइए, ज़्यादा मोटा लेयर नहीं लगाना है। 10 मिनट रखा मैंने, 10 मिनट के बाद मैं अपने इसको पानी के छींटे मार के उसके बाद इसको मसाज करूँगी। देख सकते हैं मसाज से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, आपकी डलनेस खत्म हो जाएगी, ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, आपके ब्लैकहेड्स वाइट हेड्स निकल जाएंगे और आपकी स्किन जो है खिली खिली बाहर आएगी, आपकी त्वचा जो है एकदम खिली खिली दिखेगी। देख सकते हैं मैं थोड़ा सा पैक हटा के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अगर विंटर में अगर आपको कहीं भी जाना है तो आप ये रेमेडी एक बार जरूर ट्राई करना, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाती है तो मेरे चैनल ब्यूटी स्टाइल पूजा को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और किस तरह से वीडियो देखना है जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देख सकते हैं स्किन जो एकदम सॉफ्ट ग्लोइंग हो गई है। तो